हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हैं हम भरतपुर में, तो आज का ब्लॉग भरतपुर का। सबसे पहले तो कर रही हूँ पानी गरम। क्योंकि मेरी शुरुआत तो गरम पानी से ही होती है, तो सबसे पहले तो पानी गरम करके पीते हैं। जल्दी जगने से नाक में यही प्रॉब्लम होती है मुझे, नाक मेरी फटी जाती है। तो मेरा पता नहीं क्या है, ये एक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे बहुत परेशानी होती है इससे। जब भी मैं कुछ कहीं भी जाऊं, या फिर क्योंकि अब यहाँ घर आए हैं तो यहाँ का थोड़ा ये है कि थोड़ा अभी सुबह सुबह जल्दी जगना पड़ता है, 6:30 बजे के समथिंग। तो यहाँ पे जब तक रहेंगे तब तक मुझे यही परेशानी रहेगी, छींक ही छींक आएंगी। छींक से इतना परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। डुगू और बाबूजी अभी सो रहे हैं एंड यहाँ पे अपन वीडियो वगैरह बनाते थे। यार ऑफिस का क्या हाल हो गया देखो, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सब कुछ दोबारा से दिल्ली से ही नई शुरुआत हो रही है सारी चीजों की। यहाँ पे अपना ड्रेसिंग था, यहाँ ड्रेसिंग टेबल थी, इधर सब कुछ रेड रेड था। यहाँ पे अपनी सारी सील्ड वगैरह रखी थी, यहाँ पे अपनी सारी स्टोर की दवाइयाँ थी। यार ये यहाँ इस जगह पे टेबल थी, इस जगह पे सोफ़ा कम बेड था। यार क्या लगता था उस टाइम पे, ये कमरा बहुत सुंदर लगता था भाई, बहुत। अभी तो देखो सब कुछ ऐसे उजड़ा सा हो गया है। एंड आपको दिखाती हूँ मैं, ये सारे सोफे वोफे यहाँ लगा दिए हैं बैठने के लिए। और हमारे जो हमारा जो ऑफिस में सोफ़ा कम बेड था वो कर दिया है हमारे कमरे में, और जो हमारे कमरे में बेड थे जिन पे हम सोते थे वो यहाँ लगा दिए मम्मी पापा के लिए, तो अब वो यहाँ सोते हैं। और ये है हमारा पूजा घर, यहाँ होती है हमारी पूजा। सो गाइज, दिस इज माई भरतपुर हाउस। ये है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये खड़ी हुई है हमारे पापा जी की बिक्की। आप हमारे पापा जी अपनी बिक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको कुछ भी नहीं होने देते। अरे यार मेरा पानी हो गया होगा भाई, हाय हाय ज़्यादा गर्म हो गया। एक कमरा और दिखाती हूँ मैं, एक ये है, एक छोटा सा पूजा घर हमारा यहाँ भी है। और ये ढोलक हमने डुग्गू के लिए ली थी। एक दिन ढोलक वाला देने को आया था तो डुग्गू ढोलक से हट ही नहीं रहा था, तो फिर हमने उसके लिए ये ढोलक ली। तो जब वो यहाँ रहता था इसी ढोलक से खेलता था। तो कुछ ऐसी वाइब आती है भाई हमारे घर की यहाँ से। सच में यार, एक औरत के बिना एक घर घर नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मानो गुसल खाना हो। जब तक एक औरत घर को ना संभाले घर घर लगता ही नहीं है। और ये है भाई हमारा रूम।
पूरा भर दिया है। वो जो ऑफिस में टेबल रखी थी वो यहाँ लगा दी है, और ये है अपना सोफा कम बेड। हमने रात को ही इसको बड़ा किया है, क्योंकि ये यहाँ इस कमरे में कोई रहता भी नहीं है, तो इसको सोफा ही बना के रखते हैं। अपनी ड्रेसिंग यहाँ आ गई है, ये है हमारी अलमारी, यहाँ वो बड़ी अलमारी, ये छोटी अलमारी। बाबूजी उधर डुगू के पास जाओ ना यार, इतना दूर क्यों सो रहे हो उससे? ये लग रही है हमारी कुछ फोटोज, यहाँ पूरे में लगे हुए थे बट अभी आधे अधूरे हटा दिए। ये है मेरी 2 साल पुरानी फोटो, बताइएगा गाइस मैं 2 साल पहले कैसी लगती थी। एक ये है मेरी और बाबूजी की, और ये है हमारी कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं इन फोटोज़ के साथ। कुछ फोटोज़ वहाँ उधर कोने कोने में आपको दिख रही हैं, वहाँ उधर कोने में रख दी हैं यहाँ से हटा के, तो ऐसा हो गया है कुछ। ये है हमारे बाबूजी की फोटो, उनको अलग अलग तरीके से फोटो कराने का बड़ा शौक है। ये वर्दी में फोटो करा रखी है, और वो रखी है एक सोफे पे फोटो उनकी। ये वो बहुत पहली फोटो है, करीब करीब ये फोटो करीब करीब ज्यादा नहीं तो 5 से 6 साल पुरानी है ये छोटी वाली, और ये बड़ी वाली करीब 3 साल पुरानी है, और ये वाली जो रखी है ये 2 साल पुरानी है। तो अभी रिसेंटली तो फोटो है नहीं, सब पुरानी है। और ये हूँ मैं यार, मतलब ठंड है भाई तो कपड़े वपड़े तो पहनने पड़ेंगे ही, शॉल ले रखी है क्योंकि यहाँ पे तो यार बहुत ठंड है। रात को मतलब इतना कोहरा हो रहा था ना, रात को पूछो मत यार, बहुत कोहरा था रात को, इतनी ठंड लग रही थी। दिल्ली में तो हम कहते हैं ना ठंड है ठंड है ठंड है, दिल्ली में तो कुछ भी ठंड नहीं है यहाँ के मुताबिक, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार, तो इसलिए कुछ ऐसे रहना पड़ता है। ये बना ली है मैंने अभी चाय, ये आ चुकी है मेरी चाय, और ये है बाबूजी का दूध। उनको मैं यहाँ जब तक रहेंगे तब तक दूध ही पिलाऊंगी गुड़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है भाई, तो इसलिए दूध ही बेहतर है, और मैं पीऊंगी चाय। ये है शहद, बोलते हैं इसको हनी, हनी बोलते हैं, ये हनी है पूरा। इसको मुझे लेके जाना है डुगू के लिए। हाँ, और ये इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। और ये है हमारे भाई साहब जी, अरे इधर आओ, अरे चेहरा तो दिखाओ, हमारी ऑडियंस है। ये जो हमारे पीछे से हमारे घर का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। यहाँ पे तो भाई बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, इतनी ठंड है कि हाथ पैर ऐसे कप रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे हाथ है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं हाथ, ऐसा मतलब एकदम ऐसा हो रहा है कि हाथों में मानो कुछ बहुत दिनों से कुछ रख दिया था और अभी वो हटाया है, तो सुन्न हो जाते हैं ना हाथ, ऐसे सुन्न हो रहे हैं। तो यार मैं पीऊंगी अभी चाय, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा ये बड़ा वाला कप ही चलता है, यहाँ पे थोड़ा काम नहीं चलता थोड़े से, क्योंकि होता तो दूध ही है बट मैं क्या प्रॉपर दूध पी नहीं सकती हूँ, प्रॉब्लम है कुछ दूध से, तो उसमें चाय की पत्ती डाल के फिर पीती हूँ, तो वही है। एंजॉय द टी। डुगु जग गया है, हेलो बोलो, हेलो हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस मैं जग गया हूँ। हाँ मैं जग गया हूँ गाइस, हेलो बोल दो, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो बोल दो गुड मॉर्निंग।
अभी अभी जगह है, क्योंकि ये जगने के बाद रुकता नहीं है बिस्तर में, तो इसलिए फिर इसको घुमाना पड़ता है। पापा जी जरा चले गए हैं बाहर, पापा जी आ जाएंगे तो इसको फिर पापा जी ले लेंगे, बदमाश को। इस बदमाश को पापा जी शाम को आने के बाद, पापा जी को ऐसे देख रहा था मानो जैसे कितने जन्म के बाद भरत मिलन हो रहा हो, ऐसे पापा जी को देख रहा था और उनके सीने पे सर रख के सो गया। इतना प्यारा लग रहा था, सीने पे सर रख के सोया, तो हम इसको देखने लग रहे थे, हम सारे के सारे इसको देख देख के मुस्कुरा रहे थे। मतलब देखो कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। क्या है ये क्या है? चार्जर को देख रहा है, चार्जिंग पिन लगी हुई है ना, उस चार्जर को देख रहा है, उसमें लाइट जल रही है। सब्जी मैं बनाने वाली हूँ गाजर। गाजर की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। आलू काट दिए हैं, पानी में भिगो के रख दिए। ये प्याज है, ये गाजर है, और इसकी सब्जी मैं अब बनाऊंगी। ये मसाले वसाले सब तैयार करके रख लिए हैं मैंने। भाई बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ठंड है कि पूछो मत। सारा ऐसे अकड़ से गए हाथ पैर कि पूछो मत। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। यार ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ कपड़ों में हीटर रख लें अपना एक, और गरम करता रहे बस। वो पूरी एकदम कपकपी हो रही है, पूछो मत। ठंड से बुरा हाल हो चुका है। अभी बनाऊंगी मैं सब्जी, फिर उसके बाद, क्योंकि यार दिल्ली में बहुत ज्यादा टाइम हो गया। वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हाँ, कि यहाँ पे क्या है, चूल्हे पे रोटियां बनाते थे और खाते थे आराम से, गरम गरम। चूल्हे की रोटियों की बात ही कुछ और होती है, और दिल्ली में जाके चूल्हे की रोटियां तो छोड़ो, चूल्हा ही कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे चूल्हा लकड़ी वकड़ी सब कुछ सिस्टम ही नहीं होता वहां पे। क्योंकि वैसे तो वहां छत है अपनी, जो हमारे हमारे रूम के ऊपर जो है वो अपनी ही छत है, हम ही उसको यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी उस छत पे हैं मुर्गियां, उनकी जब तक वो दो मुर्गियां कहीं जाएंगी नहीं, वैसे तो आंटी ने बोल दिया है कि वो बहुत जल्द चली जाएंगी, क्योंकि बहुत गंदगी मचाती हैं यार वो मुर्गियां। और जिस दिन वो चली जाएंगे उस दिन देखूंगी मैं यार अपना, आराम से वहीं चूल्हा बनाऊंगी, उसी पर रोटियां बनाया करूंगी। अभी यहाँ पे क्या है, आ गए हैं ना, तो मैं चूल्हे पे ही रोटियां बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको चूल्हे पे कैसी रोटियां बनती हैं। चूल्हे की रोटियों की यार बात ही कुछ अलग होती है। आप लोगों ने गैस पे रोटियां बना बना के खाई होंगी, लेकिन जिस दिन चूल्हे की रोटी खाओगे उस दिन पता चलेगा रोटियों का स्वाद कैसा होता है। क्योंकि रोटियां खाने में इतनी ज्यादा खास टेस्टी नहीं लगती है ना, तो वो इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि रोटियों में टेस्ट आए कहाँ से, गैस की रोटियों में कभी टेस्ट नहीं आता। तो चूल्हे पे, लेकिन चूल्हे पे अपन रोटी बनाएं और गरम गरम फिर उन रोटियों को खाएं और थोड़ा सा घी लगा लें उसमें। आहा, अभी तो क्या है कि घी भी थोड़ा बंद है क्योंकि चिकनाहट वगैरह खाने से प्रॉब्लम होती है। अब तो कोई भी चिकनाई की चीज़ नहीं खाते हैं, बट एक टाइम था जब तवा के घी चिकनी सारी चीजें सब कुछ बहुत खाते थे एक टाइम पहले। अभी तो क्या है कि थोड़ा कंट्रोल चल रहा है, अभी इतना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि खाते हैं तो फिर खुद ही को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए फिर अभी तो थोड़ा ब्रेक चल रहा है सब चीजों से। बट क्या है कि यहाँ तो हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो कुछ दिनों तक तो यार देखते हैं, एक दो दिन खा लूंगी फिर उसके बाद कंट्रोल कर लूंगी। दिल्ली में जाके तो कंट्रोल करना ही है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, एक एक तो देखो घी होता है, एक तो घर का घी होता है,
और एक बाजार मार्केट से मंगाया हुआ घी होता है, जो बाजार से घी मंगाते हैं ना वो घी नहीं होता प्योर, उसमें क्या है केमिकल आते हैं और उसकी जो सारी मतलब उसकी जो प्योरिटी होती है ना वो सारी निकल जाती है, तो वो घी खाने में तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता यार। लेकिन घर के घी की बात ही कुछ है यार, घर की तो कोई भी चीज़ हो सारी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है भाई। तो आपको बताऊंगी मैं, चूल्हे पे रोटियां बना के उनमें घी लगा के गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है यार। अभी मैं फिलहाल सब्जी बना लूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ साफ सफाई करनी है, सारा सारा सामान इधर से इधर बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो अपने हिसाब से मुझे सेट करना है सारा सामान। हे गाइस, हाउ इज माय लुक, कैसी लग रही हूँ मैं? यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ऐसे रहना पड़ता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। सो सिंदूर, वैसे जहाँ तक देखा जाए ना, मुझे मेरे चेहरे पे लाइक इंडियन टाइप तो ये सिंदूर बहुत सुंदर लगता है। सो आप लोगों को कैसा लगता है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे चेहरे पे ये सिंदूर कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। ये कुर्ता मैंने बहुत दिनों के बाद पहना है यार, काफ़ी टाइम हो गया इस कुर्ते को पहने हुए। वैसे तब थोड़ा ढीला, तब थोड़ा टाइट आता था और अब थोड़ा ढीला आ रहा है, चाबी से खेल रहा है और वो इससे टूट नहीं रही है, तो फिर भड़क रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, गेट की चाबी उससे खेल रहा है। अब बताओ चाबी कैसे टूटे, वो दांतों के नीचे आ नहीं रही है, टूट नहीं रही है, तो चिढ़ रहा है। फिर सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग का यही होता है एंड। एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, सबका। एंड हमारी वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहें, यूं ही सपोर्ट करते रहें एंड यूं ही पसंद करते रहें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके और हम यूं ही आगे सब कुछ करने के लिए एक्साइटेड हो सकें। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।